नमस्कार, चराहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। वृषभ राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं विस्तार से। दोस्तों, वृषभ राशि के जातक व्यक्ति के धनी होते हैं। वृषभ राशि चक्र में आने वाली दूसरी राशि होती है। ये लोग शांत व कोमल स्वभाव के होते हैं, लेकिन अपनी दिमागी क्षमता को भली भांति जानते हैं। वृषभ राशि के जातक धन संपत्ति और ख्याति प्राप्त करना पसंद करते हैं। इस राशि के जातकों में हावी रहने की प्रवृत्ति रहती है, इसलिए ये लोग स्वाभाविक रूप से कठोर और निश्चय रहते हैं। ये लोग अपनी दिनचर्या में किस तरह का परिवर्तन पसंद नहीं करते। वृषभ राशि के जातक उन लोगों में से होते हैं जो जीवन में अपनी पसंद की हर वस्तु आसानी से पाना चाहते हैं। ये स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी और बहुत विश्वसनीय होते हैं। इनका करियर कैसा है? वृषभ राशि के लिए करियर के दृष्टिकोण से आने वाला वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष के पूर्वार्ध में शनि आपकी राशि के नवम भाव में रहने वाले हैं, जिसके चलते आपके कार्य में भाग्य आपका साथ देगा। यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए एक अच्छा वर्ष होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति साल के अधिकांश समय आपके दसवें भाव में रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित हैं, तो भी आप बेहतर लाभ कमाएंगे। वर्ष के पहले भाग में आपके चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि होने के कारण कुछ समय के लिए स्थान परिवर्तन की भी प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस दौरान करियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह वर्ष काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि भगवान इस वर्ष कार्य और व्यापार में आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाले हैं। इस व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए ये अच्छा रहने वाला है। आइए जान लेते हैं 2022 में आपका परिवार कैसा रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला वर्ष रहेगा ये आपका, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आपके पारिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है। यह तनाव विशेष तौर पर मार्च तक रहेगा। अप्रैल के महीने में गुरु के गोचर और पंचम भाव में गुरु की दृष्टि से नवविवाहितों को शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपके बच्चे तरक्की करेंगे। आपको अपनी संतान की ओर से शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। आइए जान लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति 2022 में कैसी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष के शुरुआत को चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है। व्यापारी वर्ग इस समय बड़े निवेश से बचें। कोई नया बिजनेस शुरू करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अप्रैल मध्य से आर्थिक स्थिति में सुधार की योग है। इस दौरान बृहस्पति के सुप्रभाव से आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी और अचानक से आपको कई स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं धार्मिक कार्यों पर भी आपका धन खर्च होगा, जिससे आने वाले समय में आप और उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। आइए अब जान लेते हैं आपकी परीक्षा प्रतियोगिता इस वर्ष कैसी रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष कई ऐसे मौके आएंगे जब आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। बेहतर होगा इस समय आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। मार्च के पश्चात समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी विदेशी संस्थान में दाखिला मिल सकता है। उच्च शिक्षा लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपका यह सपना इस वर्ष जरूर पूरा हो जाएगा। आइए जानते हैं स्वास्थ्य। वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकती, क्योंकि इस दौरान छाया ग्रह राहु केतु की आपकी राशि के प्रथम यानी लग्न के सप्तम में उपस्थिति आपको सेहत संबंधी कई प्रकार की परेशानियां दे सकती है। लंबे समय से किसी बीमार से ग्रसित हो सकते हैं, तो डॉक्टर से इस बारे में जरूर सलाह लेनी चाहिए। लेकिन राहु और केतु अप्रैल के शुरुआत में जैसे ही आपकी राशि से अपने को परिवर्तित करेंगे, उसके बाद का समय सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको दैनिक व्यवस्था विकसित करने की सलाह दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप जो काम नहीं कर रहे थे उसे ठीक करने में सक्षम होंगे। इस साल अपना वजन स्थिर रखना आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है, लेकिन आपको अनुशासित रहकर इस समस्या का हल भी निकालना पड़ेगा। आइए अब जान लेते हैं 2022 में आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आपकी सभी परेशानियां दूर हो सकें। आपके लिए मंगलवार के दिन विवाहित महिलाओं को भोजन कराएं। भवन या निर्माण स्थल पर श्रमिकों को भोजन वितरित करें। शुक्रवार के दिन गरीबों को चीनी, सफेद मिठाई या बतासे दान करें। ऐसा करने से भाग्य आपका साथ देने लगेगा। तो दोस्तों, ये था
2022 वृषभ राशि वालों के लिए उनका राशिफल। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।